फिर आ गए। जय भोलेनाथ की, चिंता नहीं किसी बात की। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अफोर्डेबल, सस्ता, आराम से जिस आपकी पहुंच में आ जाए वैसा मकाना ही है दोस्तों। 8 से 10 लाख रुपए आपके पास होना ही चाहिए। सामने आपको दिख रही है 20 फीट की रोड, पूरी कॉलोनी ये बसी हुई है। यहाँ पर हजारों मकान बन चुके हैं इस समय। तो दोस्तों ये एलिवेशन है और मटेरियल एकदम लोहा लाड इसमें प्रयोग किया गया है। बहुत ही शानदार पोर्च एरिया है, बहुत ही शानदार बना हुआ ड्राइंग रूम डाइनिंग एरिया है दोस्तों। जैसे होटल में फील होता है, गोल्डन लाइटें लगी रहती हैं, वो फील देने के लिए हमने यहाँ पे अंदर गोल्डन लाइटें लगाई हैं। है आपका मॉडर्न किचन, शानदार स्पेशियस बेडरूम, कैसा लग रहा है? ऐसा ही फील होगा आपको भी। दूसरा बेडरूम, तो दोस्तों ये है आपका ओपन टेरेस एरिया। रूम ढूंढते हैं तो उनको आप यहाँ पे दे सकते हैं। CMS स्कूल दोस्तों यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर है, वो है आलमबाग बस स्टॉप, तो वो यहां से 5 किलोमीटर। नमस्कार दोस्तों, आलमबाग प्रॉपर्टी में आपका फिर से एक बार हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। दोस्तों आज हम आपके लिए फिर से एक बहुत ही शानदार और बहुत ही खूबसूरत नया मकान, अभी एकदम आज ही इसकी फिनिशिंग पूरी हुई है और बहुत ही अच्छी लोकेशन। जैसा कि आप जानते हैं, हमेशा हम बहुत ही अच्छी लोकेशन पर बड़े शानदार शानदार मकान लेके आते हैं और उसी कड़ी में ये एक और अफोर्डेबल, सस्ता, आराम से जिस आपकी पहुंच में आ जाए वैसा मकान है ये दोस्तों। तो अभी हम आपको इस मकान का पूरा परिचय देंगे, क्या है इसमें, कितना इस पर लोन हो जाएगा, कितना आपको डाउन पेमेंट देना पड़ेगा, सब बताया जाएगा। तो धैर्य बनाए रखिए और पूरा वीडियो देखिए, और कोई भी अगर आपको डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी हमारे नंबर दिए रहते हैं, आप उस पर कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। तो मैं कालेश पांडे चलता हूँ, वीडियो की शुरुआत करता हूँ। जय भोलेनाथ की, चिंता नहीं किसी बात की। आइए पहले एलिवेशन से शुरुआत करते हैं। पहले तो दोस्तों सामने आपको दिख रही है 20 फीट की रोड, पूरी गली में मकान बने हुए हैं। यहाँ से वहाँ तक, जहाँ तक आप देख पाएंगे वहाँ तक मकान ही मकान बने हुए हैं। और इस पूरी कॉलोनी ये बसी हुई है, घनी बसावट के बीच में ये मकान है। यहाँ पर हजारों मकान बन चुके हैं इस समय। कुछ लोग पूछते हैं कि वहाँ पर सन्नाटे में तो मकान नहीं है, ऐसा नहीं है, पूरा हजारों मकान बन चुके हैं और अभी कम से कम 500 मकान और बनेंगे। तो ये थी इस कॉलोनी का परिचय। बाकी इस कॉलोनी का वैसे नाम संगम विहार कॉलोनी है, जैसा कि आप जानते ही होंगे, बाकी अभी हम लास्ट में बताएंगे इसके बारे में। तो दोस्तों ये एलिवेशन है, लाइट थीम पे रखा गया है पूरा मकान, सिंपल और सोवर बनाने की कोशिश की गई है कि, और मटेरियल एकदम लोहा लाड इसमें प्रयोग किया गया है। बहुत ही शानदार मजबूत मकान बनाया गया है दोस्तों, और थोड़ा क्योंकि हम लोग भोलेनाथ के भक्त हैं तो उसी को ध्यान में रखते हुए इस थीम पे ये मकान आपको दिख रहा होगा, इसमें ओम लगाया गया है और ऊपर भी लगा हुआ है, लेकिन लाइट की वजह से वो दिख नहीं रहा है। कैमरामैन चाहे जितनी कोशिश कर लें दिखा नहीं पाएंगे वो, क्योंकि वहाँ अंधेरा है। तो दोस्तों ये लाइट, और मतलब लाइट कलर का यहाँ पे प्रयोग किया गया, और जो ये पट्टियाँ लगी हुई हैं ब्राउन कलर की लगी हुई हैं। अभी इसमें आपको कैमरे में पता नहीं कैसा दिख रहा है, दिन में आप देखेंगे, थंबनेल में भी दिख जाएगा। गेट का जो हमने कलर रखा है वो भी गोल्डन ब्राउन और डार्क ब्राउन रखा है, और जो हैंडल दे रहे हैं हम आपको वो स्टील का दे रहे हैं, पूरा लंबा दे रहे हैं, कहीं से भी पकड़ के आप खोल सकते हैं। और इसमें देख रहे हैं जैसे रैंप आपका, इसमें आज ही कलर लगा हुआ है, ताज़ा ताज़ा कलर है, दिख रहा होगा अच्छा से। और हमने इधर तो आपको गाड़ी चलाने के लिए रैंप दे ही दिया, बगल में हमने स्टेप बना दिए हैं जिससे कि आपको चढ़ने में बुजुर्ग को समस्या ना हो, फिसलने का कोई चिंता ना हो। और गेट में कुछ स्टील वर्क भी किया गया है।
दोस्तों यहाँ पर सेफ्टी का ध्यान रखा गया है और ये ग्रिल लगा दी गई है जिससे कि आपके घर के अंदर कोई जा ना सके। अब आइए मकान के अंदर आते हैं और इसका परिचय देते हैं। ये आपका पोर्च एरिया है, पूरा ये पोर्च आपका 18.5 फीट का है और इसमें जो आपको पार्किंग मिल रही है 15 फुट प्लस है, 15x10 की, तो इसमें आप अपनी स्कॉर्पियो तक गाड़ी आराम से खड़ी कर सकते हैं और जितनी भी मिनी एसयूवी हैं, ब्रेजा और टाटा पंच, इस टाइप की गाड़ियां नेक्सॉन आराम से यहां पे खड़ी हो जाएंगी, बाकी हैचबैक तो सारी आ ही जाएंगी। और यहां पर आपको जो सीढ़ियों के नीचे दिख रहा है ये इन्वर्टर स्पेस है दोस्तों, और यहां पर हमने आपको समरसिबल का पैनल दे दिया है और ये डायरेक्ट पॉइंट है जिससे आप अपने घर में धुलाई करना हो, आपकी गाड़ी यहाँ खड़ी होगी, गाड़ी को धुलना हो तो प्रेशर पानी की जब ज़रूरत होगी तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। और एक टैब हमने टंकी का भी दे दिया है और पोर्च में हमने टाइल्स का प्रयोग किया है, बड़ी मजबूत टाइल्स हैं और बहुत ही सुंदर डिज़ाइन भी आपको मैट जैसे कि लग रहा है घास इसमें लगी हुई है। दोस्तों दो एंट्रियाँ आपको मिल रही हैं, एक डाइनिंग हॉल से और दूसरा ड्राइंग रूम से। डबल डोर आपको मिल जाते हैं, एक नेट डोर, दूसरा आपका मेम्ब्रेन डोर, और इसमें डोर क्लोजर लगा हुआ है कि मच्छर, कभी कभी दरवाजा हम खोल के भूल जाते हैं तो मच्छर घुस जाते हैं, तो इसमें डोर क्लोजर लगा दिया गया है, ये आराम से अपने आप बंद हो जाएगा। दोस्तों ये आपका सुंदर, बहुत ही शानदार बना हुआ ड्राइंग रूम, रिव्यू रूम तो आपने देखा ही होगा, लेकिन बहुत ही सुंदर फॉर सेलिंग यहाँ पे की गई है और ये मुर्गा जाली पर फॉर सेलिंग की गई है, बहुत ही मजबूत है, ऐसे की ऐसे ही बनी रहेगी 20-25 साल तक। और यहाँ आपको 3D वॉलपेपर मिल जाता है, ये थोड़ा सा इसमें रॉयल लुक आपको दिख रहा होगा, गोल्डन और ब्राउन कलर का, और ये बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है और ये जो टाइल्स लगाई गई हैं वैसे ही लगाई गई हैं। और यहाँ पर हम आपको एक TV यूनिट दे रहे हैं दोस्तों, ये TV यूनिट ब्लैक एंड वाइट कलर का कॉम्बिनेशन रखा गया है यहाँ पे। एक विंडो आपको मिल जा रही है जो कि आपकी मेन रोड पे जाकर खुलेगी, ये मेन रोड पे खुलेगी, अगर आप चाहें तो खोल देंगे उसके बाद में आपको, अगर AC नहीं लगाते, कभी लाइट नहीं है तो आप खोल के यहाँ से सीधा वेंटिलेशन पा सकते हैं, धूप पा सकते हैं और भी जो सुविधाएं हैं वो जो रोड बाहर के हैं वो आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। आप देख ही रहे हैं और ये आपका ड्राइंग रूम जो है, यहाँ पर आप अपना सोफा डाल सकते हैं या एक इधर आप छोटा सा दीवान डाल सकते हैं, यहाँ पर अपना सोफा डालिए और सामने आप TV का आनंद लीजिए, ये सारी सुविधाएं हैं। देखिए ये जो टाइल्स दिख रही है आपको, पूरे मकान में सेम ऐसी टाइल्स लगाई गई है, अगर कभी कभी लाइट नहीं रहती है तो जब आप खिड़की खोलेंगे तो इससे रिफ्लेक्ट होकर पूरी रोशनी आपको प्राप्त हो जाएगी। आइए आगे बढ़ते हैं, दरवाजा आपको यहाँ भी मिल जाता है जो कि सीधा आपके पार्किंग एरिया, वही जो मैंने बताया था पहले ही एंट्री दूसरी एंट्री थी। और ये आपका डाइनिंग एरिया है दोस्तों, यहाँ पर आपकी सिक्स सीटर आपकी डाइनिंग टेबल आराम से लग जाएगी और यहाँ पर आप अपने ब्रेकफास्ट, डिनर, लंच सबका एंजॉय कर सकते हैं। और ये वॉलपेपर तो आपको दिख ही रहा होगा, इस डाइनिंग एरिया की खूबसूरती को बढ़ा रहा है और ऊपर फॉर सेलिंग भी आपको दिख ही रहेगी। यहाँ पर हमने गोल्डन लाइट का प्रयोग इसीलिए किया है कि आपको थोड़ा सा लाइटें बंद करते हैं तो दिखाते हैं, ये देखिए जैसे होटल में फील होता है गोल्डन लाइटें लगी रहती हैं, वो फील देने के लिए हमने यहाँ पे अंदर गोल्डन लाइटें लगाई हैं, जब आप बंद कर देंगे सारी लाइटें तब आपको बहुत ही सुंदर दिखेगा। अब आइए दोस्तों आपका दिखाते हैं मॉडलर किचन, ये है आपका मॉडलर किचन, बहुत ही सुंदर ड्यूअल टोन रखा गया है और बहुत ही सुंदर कलर इसमें प्रयोग किया गया है, थोड़ा सा नया कलर प्रयोग किया गया है और ब्लैक कलर का इसमें हमने टॉप का प्रयोग किया है और साउंड प्रूफ सिंक। अब आइए यहाँ पर आपको RO के लिए फैसिलिटी दे दी गई है, आप यहाँ पर अपना RO लगा सकते हैं और जो टाइल्स हैं लगी हैं ये 3D वाली लगी हैं, इसमें भी सामान रखा है लेकिन आप देख सकते हैं कि बोतल रखने के बाद में कितना स्पेस यहाँ पे बच जाता है, आप यहाँ पर अपना छोटा मोटा जो भी डब्बा उब्बा होता है वो यहाँ पे रख सकते हैं। और ये देखिए सॉफ्ट क्लोजर है, आप ऐसे कर देंगे ये अपने आप बंद हो जाएगा। ये आपका चूल्हे का स्थान है,
यहाँ पे आपका चूल्हा लग जाएगा, उसी के नीचे हमने ये कटलरी का स्पेस दे दिया है। इसमें आपकी वही चक्कू उक्कू जो होती है वो सब इसमें आ जाएगी। ये थालियों के लिए है और इसमें आप अपना कुकर उकर जो भी बड़े बर्तन हैं वो लगा सकते हैं। और ये स्पेस जो है, इधर आके दिखाइए महाराज, ये स्पेस जो है, ये स्पेस आप यहाँ पे बड़े कनस्टर वनस्टर टाइप के जो होते हैं वो आप यहाँ पे रख सकते हैं। और अभी इधर देख रहे हैं आप, यहाँ पे भी हमने थाली के लिए दे दिया है, प्लेट वेट यहाँ पे लगा सकते हैं। इसके नीचे भी सेम बड़े बर्तनों का कर दिया है। और ये कॉर्नर का है, यहाँ पे भी आप अपने बड़े बर्तन और सिलेंडर विलेंडर सब यहाँ पे रख सकते हैं। ये तो सिंक के नीचे वाला स्पेस है। और ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे आपकी फ्रिज लग जाएगी दोस्तों। पूरा एकदम सिस्टमेटिक ढंग से बनाया गया है। और ये जो आपको विंडो दिख रही है, इससे आप खोल देंगे, अगर आपको चिमनी नहीं लगानी है तब भी काम चल जाएगा। एग्जास्ट के लिए फिलहाल हमने वहाँ पे बना दिया है, आप अपना एग्जास्ट लगवा सकते हैं। और वैसे खिड़की खोल देंगे तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और आप कोई भी आपके गेट पे आ रहा है तो यहाँ से देख सकते हैं। अब आइए आपको आपका कॉमन वाशरूम दिखाते हैं। तो दोस्तों ये आपको पहले ही मैंने बताया था, ये डाइनिंग एरिया है। जब डाइनिंग एरिया है तो वॉश बेसिन तो उसके पास में होना ही चाहिए, तो इसीलिए हमने यहाँ पर वॉश बेसिन दे दिया। सारी जो इसमें एक्सेसरीज लगी हैं दोस्तों, ये सब ब्रांडेड हैं, अभी पानी चालू नहीं हुआ है। और ये सेरग लगाई गई हैं, आपको दिख ही रहा होगा, सिंपल सोवर। और ये आपका वॉशरूम है, वॉशरूम आपको काफ़ी बड़ा मिल रहा है, कंबाइंड लगभग 8 फिट का इसका लंबान है और 5 फिट का चौड़ान है। सारी सीरीज जैसे कि मैंने बताया कि ब्रांडेड लगे हैं, एक बार दिखा दें आप। दोस्तों वॉश बेसिन के ऊपर ही आपका ओटीएस भी है, वो बंद है, उस पर अभी बाद में इसमें फिलहाल वो लगा दिया जाएगा, क्या लगती कनोपी लग जाएगी, जिससे कि आपके अंदर पानी वानी ना पाए और यहाँ से गैसें निकल जाएं। आइए अब चलते हैं, आपका बेडरूम दिखाते हैं। तो दोस्तों ये है आपका शानदार स्पेसियस बेडरूम। अब आपको दिख रहा होगा मैं कोने में खड़ा हूँ, कितना लंबा चौड़ा बेडरूम दिया गया है और बहुत ही सुंदर यहाँ पे 3D वॉलपेपर भी लगाया गया है। और हमने यहाँ पर बहुत ही सुंदर फॉर सेलिंग बनाई है, कोशिश किया है कि बहुत ही खूबसूरत दिखे मकान, जिससे कि जो इसमें रहे वो हमेशा प्रसन्नचित रहे और आगे बढ़े। आपके सामान को रखने के लिए भी हमने इंतजाम कर दिया है कि अभी आप नया नया घर लें तो आपको परेशानी ना हो, उसके लिए हमने यहाँ पे एक वार्डरोब दे दिया है। ये एक शानदार आपको वार्डरोब मिल रहा है, पूरा इसमें आपका सामान आराम से आ जाएगा। एक लॉकर भी दे दिया गया है, आप पैसा वैसा जो रखना चाहें आराम से यहाँ पे रख सकते हैं। और कलर भी इसका बहुत शानदार रखा गया, देखिए 3 कलर का प्रयोग कर दिया गया है इसमें, जो ऊपर किया गया था वैसे मैच करा दिया गया पूरे कमरे को। ये तो रहा आपका बेडरूम, और मैंने बताया कि पूरा स्पेसियस है, वार्डरोब इसमें बना हुआ है। आप इधर आप अपना बेड डाल लीजिए, उसके बाद में अगर आप वर्किंग है तो एक आध टेबल वेबल भी डालेंगे, ड्रेसिंग टेबल वेबल अगर आपको लगाना है तो भी लगा लेंगे, उसके बाद में भी ये पूरा स्पेस आपका बचा रहेगा, इतना स्पेस है इसमें। एक विंडो मिल रही है जो कि आपके ओटीएस एरिया में खुलेगी, अगर हवा पानी की जरूरत है तो, पानी की नहीं हवा की जरूरत है, रोशनी की जरूरत है तो आप यहाँ पे प्रयोग कर सकते हैं। आइए कैमरामैन, स्टील की रेलिंग मिल रही है आपको हैंड सपोर्ट के लिए, और स्टेयर पे हमने ग्रेनाइट का, ब्लैक ग्रेनाइट का प्रयोग किया है। ग्रिप बहुत अच्छी दी गई है इसमें, जिससे कि आपको पकड़ के चढ़ने में समस्या ना हो। स्टेप की ऊंचाई भी बहुत शानदार रखी गई है कि बच्चा भी इस पे चढ़ जाएगा आराम से और बुजुर्ग भी। दोस्तों ये है आपका बालकनी का एरिया, यहाँ पर आपको पूरा स्पेस मिल जा रहा है, आप यहाँ पे बैठ सकते हैं और जो बालकनी का आनंद होता है वो आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। आपकी चेयर पड़ जाएगी, क्योंकि ये पश्चिम फेस का मकान है तो आपको शाम की धूप का आनंद लेना है सर्दियों में, और डूबते हुए सूरज को देखना है गर्मियों में, तो आप यहाँ से उसका आनंद प्राप्त कर सकते हैं, इतना स्पेस इसमें
आराम से आपको मिल जा रहा है, और यहाँ पे आप खड़े होके भी आनंद ले सकते हैं बाहर के व्यू का। कैसा लग रहा है? ऐसा ही फील होगा आपको भी। आइए दोस्तों, आप दिखाते हैं आपका दूसरा बेडरूम। बहुत ही सुंदर यहाँ पे फॉल सीलिंग की गई है, और वैसे ही लाइट का कॉम्बिनेशन भी किया गया है जैसे आपको दिख रही है। बहुत ही सुंदर लाइटिंग की गई है और बहुत ही सुंदर व्यू भी आ रहा है। कलर पूरे मकान में एक ही रखा गया है, लाइट सोवर कलर, और ये है वॉलपेपर 3D जो कि इस कमरे की खूबसूरती को एनहेंस कर रहा है। ये काफ़ी लंबा चौड़ा कमरा है, लगभग 14 फीट का इसका लंबान है और 8 फीट से ज़्यादा इसका चौड़ान है। आइए आप दिखाते हैं आपका ओपन टेरेस एरिया। तो दोस्तों ये है आपका ओपन टेरेस एरिया, और यहाँ पर हमने ये डैम फॉल लगवा दिया है जिससे कि कभी आपको भविष्य में समस्या ना हो, पहले ही हमने इंतजाम कर दिया है। और एक वॉशरूम आपको यहाँ पे भी मिल जा रहा है जो कि वेस्टर्न बनाया गया है, और यहाँ पे हम आपको एक वॉश बेसिन दे दे रहे हैं, साथ में यहाँ पे एक टैप भी दे रहे हैं। तो आप यहाँ पर चाहें तो कुछ धुलना वलना है, सर्दियों में कपड़े उपड़े धुलने हैं, वो यहाँ पे आप धुल सकते हैं आराम से। और अगर आप चाहें रेंट आउट करना चाहते हैं, नीचे का हिस्सा आप इस्तेमाल करना चाहते हैं, ऊपर का आप रेंट आउट करना चाहते हैं, तो ये स्पेस आपके लिए, यहाँ पर आप एक छोटा सा पत्थर लगवा दीजिए और आराम से ये किचन का काम कर जाएगा, और अंदर आपका स्टूडेंट स्टूडेंट के लिए उठाने के लिए यहाँ, क्योंकि स्टूडेंट एरिया भी है ये बगल। यहाँ पे अवध चौराहे पे बहुत कोचिंग संस्थान है जिसमें सिविल, मेडिकल और इंजीनियरिंग, इन सब की तैयारी होती है, बैंकिंग की, तो वो लोग भी रेंट के लिए रूम ढूंढते हैं, तो उनको आप यहाँ पे दे सकते हैं। तो ये था इस मकान का परिचय दोस्तों। अब आइए इस लोकेशन के बारे में आपको बताते हैं, और जो है इस मकान के प्राइस के बारे में बताते हैं। तो दोस्तों पूरा मकान आपने देख लिया, अब आइए जो इससे बची हुई जानकारी जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे, कुछ लोग स्किप करके भी आ गए होंगे यहाँ तक, तो उनको बता देते हैं। तो दोस्तों लोकेशन जो है ये सिंगार नगर मेट्रो स्टेशन, चलते हैं हरदोई बाईपास पे, पहला वाला फ्लाईओवर पार करते हैं, लगभग मान लीजिए अवध चौराहे से 1 से 1.5 किलोमीटर आते हैं, तो बाएं साइड में एक पुलिया है और वहाँ पर लिखा है भारतीय रेल प्रबंधन एवं मैनेजमेंट, CMS स्कूल के अपोजिट साइड में, वो है DRM ऑफिस, यहाँ पे बोला जाता है लोकल भाषा में, बाकी उसको इरिटीम ऑफिस बोलते हैं वो लिखा पड़ी में। तो वहाँ से आपका रास्ता शुरू होता है, और ये 1 किलोमीटर अंदर आपका लगभग 1 किलोमीटर से कमी है दोस्तों, तो मान के चलिए 2-2.5 किलोमीटर आपका सिंगानगर मेट्रो स्टेशन यहाँ से है। तो ये घर है वहाँ से। अब स्कूल कॉलेज की बात की है, तो पहले मैं आपको स्कूल कॉलेज के बारे में बता देता हूँ, क्योंकि अधिकतर जो लोग रहते हैं यहाँ पे नए लोग ही आते हैं जिनको अपने बच्चे बच्चों को पढ़ाना रहता है, और रेलवे के हैं या फौज के हैं, पुलिस के हैं, ऐसे लोग यहाँ पे आते हैं, बिजनेस क्लास के लोग आते हैं जिनको अपने बच्चों को पढ़ाना है। तो CMS स्कूल दोस्तों यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर है, उसी के बगल केंद्रीय विद्यालय है, और सेंट मैरी स्कूल वहीं पे है, अवध कॉलेजिएट, वो ये सब आपको 1 से 1.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे यहाँ से सारे कॉलेज हैं, आपको 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी में मिल जाएंगे अच्छे अच्छे। और जो यहाँ का दूसरा जो बढ़िया कॉलेज है जयपुरिया, वो यहाँ से लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर है, पारा में है, और आपकी आपके जीवन जो दैनिक जीवन से जुड़ी हुई चीज़ें हैं उनके बारे में बता देते हैं। तो सब्जी मंडी दोस्तों 1 किलोमीटर की दूरी पर इधर लगती है पारा में, और इधर केसरी खेड़ा पे मुश्किल से 500 मीटर की दूरी पे लगती है। पेट्रोल टंकी यहाँ से 500 मीटर की दूरी पर है, सीधा रास्ता यहाँ से गया हुआ है पेट्रोल टंकी के लिए, अगर सीधा जाएंगे तो 300 मीटर ही पड़ेगी। और इधर से भी एक रोड है पीछे से भी हाईवे, जो कि सीधा आगरा एक्सप्रेसवे में मिलता है, दूसरा उधर से वो जो मेन हाईवे हरदोई बाईपास वो तो है ही है। मेट्रो स्टेशन कृष्णानगर भी इधर से आप जा सकते हैं, 3 किलोमीटर होगा, और इधर से सिंगानगर मेट्रो स्टेशन 2.5 किलोमीटर है, और बैंक वैंक जो भी है वो सब 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी में सब मिल जाएगा, SBI, पंजाब नेशनल बैंक और भी जो भी बैंक है सब 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी में। आलमबाग की जो आपकी मेन मार्केट है आलमबाग, वो भी यहाँ से 2 से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर है दोस्तों। और जो आपका बस स्टेशन है जहाँ से पूरे राज्य के लिए या अंतर्राज्यीय बसें चलती हैं, वो है आलमबाग बस स्टॉप,
तो वो यहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। चारबाग रेलवे स्टेशन भी दूरी भी यहाँ से ज़्यादा नहीं है, मात्र 7 किलोमीटर है। अगर आप एयरपोर्ट या हवाई सुविधाएं का उपयोग करते हैं तो वो भी यहाँ से ज़्यादा दूरी पर नहीं है, मुश्किल से 5 किलोमीटर की ही दूरी है दोस्तों। हाईवे यहाँ से 1 किलोमीटर है, वहाँ पर आप जाते हैं तो उसके बाद में आपको, अगर आप जो रोज़ वाले साधन हैं उनका उपयोग करना चाहते हैं तो वहाँ से आपको मिल जाते हैं। बाकी यहाँ कॉलोनी से भी मिल जाते हैं, ई रिक्शा विक्शा यहाँ से चलते हैं वो हाईवे तक के लिए और वहाँ से यहाँ के लिए चलते हैं। और बाकी बचा जो अब आपका अंत में, तो पहले प्राइस से पहले मैं बता देता हूँ कि इस पे आपको 80% तक फाइनेंस अवेलेबल हो जाएगा दोस्तों। और लगभग आप मान के चलिए कि 7 से 8 लाख रुपए का आपको डाउन पेमेंट कम से कम देना पड़ेगा। और लिखाई जो लगती है, रजिस्ट्री वजिस्ट्री का खर्चा वो अलग होता है, वो भी आप जोड़ लीजिए। तो लगभग में मान के चलिए कि 8 से 10 लाख रुपए आपके पास होना ही चाहिए। और जो इस मकान का प्राइस रखा गया, ज़्यादा नहीं रखा गया, मात्र 38 लाख रुपए रखा गया है। और इसमें भी जब आप आएंगे तो जो हो सकेगा छूट देने की कोशिश की जाएगी दोस्तों। तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर तुरंत संपर्क करें, क्योंकि मकान बहुत ही कम है, इस तरह मकान बहुत कम बनते हैं, कभी कभी बन पाते हैं, तो दो ही मकान है, तो तुरंत समय का उपयोग करें और दिए हुए नंबर पर हमारे संपर्क करें। और फिर हमारे आपसे मुलाकात होगी नए वीडियो में। तो चलते हैं दोस्तों, जय भोलेनाथ की, चिंता नहीं किसी बात की।